नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका स्वागत कर दो अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज की वीडियो हम लोग देखेंगे हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू कर जुड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका दिन मंगलमय हो। चलिए शुरू करने से पहले आपके लिए चंद लाइनें हैं कि अभी तो असली उड़ान बाकी है। मेरे रसगुल्लो आपके लिए है, अभी तो असली उड़ान बाकी है। परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी 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 तो लांघा है समुंदर मैंने, अभी अभी तो लांघा है समुंदर मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है जा, अभी तो पूरा आसमान बाकी। शब्दों मजाना दोस्त, सब गलत भी टाइप हो सकता है, बस आपका जो इरादा वो नेक होना चाहिए। कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो पर्यायवाचिक मतलब क्या होता है, पर्यायवाचिक मतलब होता है समानता रखने वाले शब्द, सेम सेम शब्द, मतलब विलोम नहीं होना चाहिए, सही हो जाएगा ठीक है। और तुच्छ का मतलब भी छोटा ही होता है, क्या होता है, छोटा ही होता है ठीक है। और कनिष्ठ मीन्स छोटा भाई होता है, आप पता ना कनिष्ठ मीन्स क्या होता है, छोटा भाई होता है, छोटा भाई हो जाता है कनिष्ठ मीन्स। तो बच्चा कौन, अहम। तो आपका जो पहला में खा वाला आंसर सही हो जाएगा कि आपका जो अहम है ये छोटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो छोटा का पर्यायवाची क्या, लघु हो गया ठीक है, लघु हो गया, तुच्छ हो गया और कनिष्ठ हो गया, ये सब क्या हो गए, छोटा के पर्यायवाची शब्द। चलिए सेकंड नंबर देखो, गर्व जो होता है ये घमंड को दर्शाता भाई, कि हम गर्व से करें, घमंड से करें। अरे भाई ऐठन तो घमंडी होता, बड़ा ऐठ कर चल रहे हो, तो दर्व भी हमारा घमंड का ही पर्यायवाची है। एहसास, एहसास आपका घमंड का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए वाला एकदम सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए वाला एकदम सही बनने वाला दोस्त, एकदम सही बनने वाला। तीसरा में जो घूमा शब्द है ना, घूमा, ये आपका पर्यायवाची शब्द टेढ़ा नहीं हो जाए, आपका इसमें क्या बनेगा, जो घूमा जो शब्द है ना ये एकदम सही हो जाए, ये क्या पर्यायवाची नहीं, बाकी बंक हो गया, वक्र हो गया और कुटिल हो गया, ये टेढ़ा पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं चौथे नंबर में, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब झूठ का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया झूठ का पर्यायवाची हम देखेंगे, मिथ्या मीन्स आपको झूठी होता है राइट ना, मिथ्या मतलब झूठ से होता है, मिथ्या देखो असत्य भी तो उसी से मिलता जुलता है, और मिर्षा मतलब देख रहे हैं मिर्षा मतलब भी झूठ होता है। तो आपका सही वचन क्या होगा, सही हमारा वचन ऑप्शन के वाला एकदम सही हो जाएगा। तो झूठ का पर्यायवाची वचन नहीं होगा, बाकी मिर्षा मिथ्या असत ये सब क्या हो जाएंगे, आपके झूठ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे देखते हैं दस पांचवें नंबर में, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है, गुण, गुण का समानार्थक शब्द नहीं है। भैया अब बात करिए, समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भैया इसमें धर्म है ना, ये भाई ये गुड़ का पर्यायवाची शब्द बनेगा, धर्म हो गया आपका गुड़ का पर्यायवाची है। प्रभाव भी भाई प्रभावकारी गुड़ है ना, ये भी है। रस्य भी क्या हो जाए, ये भी गुड़ के समान, जो विश्लेषण है ये समानार्थक शब्द नहीं है। तो आपका जो के वाला ऑप्शन है ये पहला वाला, ये इसका किसका, गुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अब यहाँ पे जो वर्ड यूज, जो सरल कठिन जटिल सरल नामुमकिन, अब आपको इसमें सही कौन सा बताना पड़ेगा भैया। देखो मुश्किल नामुमकिन कठिन ये सब इसके क्या है, विलोम है, लेकिन बोला है कि सर्वोत्तम, तो सरल का क्या लगाओगे आप, जटिल लगाओ, क्या लगाओ दोस्त, जटिल आपका घ वाला एकदम सही हो जाएगा। हालांकि सभी के सभी में फिस करा विलोम है, लेकिन आप सरल के लिए जटिल सर्वोत्तम होगा ठीक है ना, सर्वोत्तम होगा जटिल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर में, बढ़ते निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, दरिद्राय, तो इसको सर्वोत्तम विलोम पहचानना, दरिद्राय शब्द का वैभव संपत्ति कौशल यश। अगर मैं सातवें नंबर के दोस्त बात करूंगा तो सातवें जो दरिद्राय का विलोम सही होगा वैभव हो जाए, क्या हो जाएगा, वैभव, क्या होगा दोस्त, वैभव हो जाए एकदम सही वाला, वैभव आपका क वाला एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न के देखिए जो दरिद्राय लिखा है ना, दरिद्राय मतलब कुछ नहीं है, सम्मान सम्मान कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन वैभव होता है ना कि भाई इनका बहुत कुछ है, वैभव है ठीक है। तो आपका सतवां में क वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का देखते हैं दोस्त, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए महान, अब भैया फिर वही तो सीन आया है, सर्वोत्तम विलोम को पहचानना है, क्षुद्र है, छोटा है, तुच्छ है, अहमहान है। तो आठवां की बात करेंगे, आठवां में देखो महान, कहते भाई महान, महान का पर्यायवाची, तो भैया पर्यायवाची तो हम बाद में, यहाँ पे हमसे विलोम पूछा गया है, तो विलोम महान का क्या करिए, क्षुद्र करिएगा, आठवां में का वाला हमारा एकदम सही से बनेगा, छोटा अ महान तुच्छ ये सब बनने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है, लेकिन सर्वोत्तम बोलेगा, जब सर्वोत्तम बोलेगा तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगा ठीक है, क्षुद्र हो जाएगा।
चलिए नौवें प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जो नवा प्रश्न है दोस्त, नवा प्रश्न है आपका, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। ठीक है, सर्वोत्तम विलोम को पहचानने की बात कर रहा है। तो भैया अधिक, अधिक का क्या करोगे एक बात मुझे बताओ, अधिक अधिक में अल्प करोगे, शून्य करोगे, न्यून करोगे, कम करोगे? नौवें नंबर बताना भाई, अधिक अधिक का क्या होता है बताइए। आप ही लोग बताते हो ना भाई, अधिक है भाई कम दे दो यार, थोड़ा कम चाहिए, अधिक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सर्वोत्तम ये सब है आंसर, लेकिन क्या है सर्वोत्तम बोला था, तो अधिक का क्या होगा, कम होगा, सर्वोत्तम विलोम यहाँ पे क्लियर हो गया। दसवें में आ जाए दोस्त, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सर्वोत्तम विलोम पहचानना किसका, उषा का। उषा का अगर सर्वोत्तम विलोम बनेगा संध्या बनेगा, क्या बनेगा संध्या, तो ऑप्शन ग वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद और विश्वास है कि आपको चीजें, अगर आप इस क्लास को डेली डेली कर रहे हो, है ना, अगर आप इस क्लास को डेली डेली कर रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है ये क्लास। आपकी छोटी छोटी जो 5-5 मिनट वीडियो होती है ना, जब आप परीक्षा में बैठोगे तब आपको इसकी अहमियत पता आएगी, पता चलेगी। अभी अभी तो नहीं पता चलेगी, लेकिन जब आप जिस दिन परीक्षा में बैठेंगे आपको 100% सवाल यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, 100%, क्योंकि जो सवालों का जो कलेक्शन है ये प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाया गया है। तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं के आधार पर हमने इन सवालों को सेलेक्ट किया है, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। खुद भी देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।